नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छा ही होंगे। मैं आपका दोस्त महावीर प्रसाद यादव। मेरा एक प्रयास आप लोगों का ज़िंदगी में शांति स्थापित करने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को सुखमय बनाने के लिए एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से। दोस्तों, अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। क्या आपने कभी भी इसके ऊपर मनन किया कि आखिर अमीर अमीर क्यों होते जा रहा है और गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है? व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन रिच वर्सेस पुअर? इन अदरवाइज यू कैन से अमीर का सोच और गरीब का सोच में क्या अंतर है, जो कि अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। और रात में थोड़ा बारिश भी है, जिसके चलते आप देख सकते हैं पीछे पानी पड़ा हुआ है और मौसम भी थोड़ा अच्छा है। इसलिए चलिए दोस्तों, समय को न गंवाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे कि आप जो भी हों, आप जिस भी उम्र में हो, अभी चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, तो इसमें से थोड़ा सा सोच में परिवर्तन लाइए आप। अगर यदि आप थोड़ा सा सोच में परिवर्तन लाते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आखिर अमीर अमीर होते जा रहा, गरीब गरीब होते जा रहा, इसका एक ही वजह है। इसका मुख्य कारण क्या है दुनिया में दोस्तों, कि ये सिद्धांत है प्रकृति का, पहले दो फिर लो। दोस्तों, अगर हम सोचें और खुद को एनालिसिस करें अपने पीछे, कि जब मैं बचपन में स्कूल जाता था तो मैंने अपना पूरी ताकत लगा दिया शिक्षा को ग्रहण करने में, पूरा मन तन धन सब कुछ लगा दिया शिक्षा को ग्रहण करने में, शिक्षित होने में, ताकि आगे जा कर के मैं अपना फ्यूचर बना सकूं, मुझे कोई नौकरी मिल सके। तो पहले मैंने समय दिया, अपना मन लगाया, पूरी ताकत लगा दी, पूरा जोश के साथ मैं लग गया पढ़ाई में, ताकि भविष्य में मुझे अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मिले। उसी तरह ठीक उसी तरह दोस्तों, आप भी सोचे कि पहले देना पड़ता है, उसके बाद आपको रिटर्न मिलेगा। इसलिए अपना सोच को ये इस नज़रिया से आप ना देखें कि आप पहले लेंगे तो आपका काम ख़राब हो जाएगा। इसलिए पहले देना है, उसके बाद लेना है। आप कोई पौधा लगाते हैं तो पहले उस पौधे को देख रेख करने में समय लगता है, आपको समय देते हैं, उसके बाद जब पौधा बड़ी हो जाती है तो एक दिन वो पौधा आपको फल देता है। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। आप कभी भी ये ना सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसे सोच को रखने वाले इंसान ही गरीब होते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी इस डिजिटल युग में आप जरा सा भी बहाना नहीं बना सकते हैं, जरा सा भी झूठ नहीं बोल सकते हैं, जरा सा भी आप कुछ भी कोई काम को करने के लिए किसी भी प्रकार का बहाना आप खोज के भी नहीं निकाल पाएंगे, तुरंत आपका झूठ पकड़ा जाएगा। और दोस्तों, एक चीज़ और भी मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को गौर से सुनिएगा कि खुद को परिवर्तन लाने का कोशिश करें समय के साथ। याद रखिए, अगर नोकिया मोबाइल ने अभी समय के साथ परिवर्तन किया होता तो हर हाथों में नोकिया मोबाइल होता, लेकिन उसने समय के साथ परिवर्तन नहीं किया, जिसके चलते आदमी ने उसे छोड़ दिया। इसलिए आप भी दोस्तों ये चीज याद रखें कि आपको भी समय के साथ खुद को परिवर्तन लाना है, तभी आप समाज का जरूरत बन के रहेंगे, समाज में आपको इज्जत मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगा, सम्मान करेंगे लोग आपको। और खुद को परिवर्तन नहीं लाते हैं,
आप जहां का तहां पड़े रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बेकाम हो जाएंगे। आधुनिक आधुनिक ज्ञान को हासिल करें, थोड़ा सा समय निकाल करके आप अपना प्रतिदिन आधा घंटा एक घंटा निकाल करके आप नया कुछ सीखने में लगाएं, क्योंकि दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ती जा रही है और आपको अगर नहीं रहेगा नॉलेज तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप लगे रहें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर कल कुछ नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। थैंक यू।